Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, DigiLearnersPoint. MGT602 ये जो assignment आपको दी गई है, उसमें जो question पूछा गया है कि आपने online health campaign के बारे में बताना है कि वो कैसे helpful होगी और उसके क्या benefits होंगे लोगों के लिए. तो ये मैं screen पे आपको वो तमाम benefits जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक 15 जो बेनिफिट्स हैं वो इनफ है फॉर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द असाइनमेंट आर एक्सरसाइज. तो चले हम रीड आउट करते हैं 10 by 10 कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं जो मैंने यहाँ रिटन डाउन किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके. Running online health campaign is more effective not only for the professional such as doctors, pharmacies, doctors of medicines, pharmaceutical companies, but also for all general public too. यानी अगर आप online कोई health campaign run करते हैं तो सिर्फ न सिर्फ professionals बल्कि जैसे कि doctors हैं, pharmacies, doctors of medicine, pharmaceutical companies के लिए beneficial ना होगी बल्कि आम पब्लिक के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी. तो ऐसी कंपेयर रन करने से हमें क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं, तो वो हम उसकी तरफ मूव करते हैं. तो पहला क्या होता है, स्पेक्ट्रम इज मच लार्जर देन ट्रेडिशनल वन. आम रवायती अंदाज के हिसाब से इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, इसका जो स्केल होता है वो बहुत बड़ा होता है. इसकी जो एसेस होती है नंबर दो जो है वो ज़्यादा लोगों तक होती है. इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मेजरेबल है, यानी आप उसको आसानी के साथ उसकी पैमाइश कर सकते हैं. उसके बाद आप ये भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि आप ये जो कंपेन चल रही है वो किस किस ग्रुप के जो लोग हैं उसके साथ एंगेज हैं. नौजवान हैं, मिडिल एज के हैं जैसे 30-40 ईयर्स, या बुरे लोग हैं, किस किस तबके के लोग इससे वाबस्ता हैं, ये सब आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं. इसके अलावा आप मल्टी डिजिटल चैनल्स यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपेन को एट द सेम टाइम मल्टीपल लोगों या मिलियंस ऑफ लोगों को स्प्रेड करने के लिए. जैसे कि आप फेसबुक पेज बना सकते हैं, ट्विटर पे आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं. पॉइंट नंबर 6 क्या है कि आप ये जो रिजल्ट्स हैं कंपेन के, आप उस रिजल्ट्स को इजीली एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टूल्स. अब एनालिटिकल टूल्स क्या हैं, अगर तो आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस पर गूगल एनालिटिक्स का टूल यूज़ करके उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप कोई सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको इनसाइट ऑप्शन देते हैं अपनी तमाम रिजल्ट्स को एनालाइज करने का. पॉइंट नंबर 7 क्या है, ऑनलाइन कैंपेन हैज़ नो बाउंड्रीज, पीपल कैन वॉच इट अक्रॉस द ग्लोब. जैसे कि अमूमी तौर पर जो ट्रेडिशनल कैंपेन होती है वो एक विद इन इलाके या एक मुल्क के अंदर होती हैं, लेकिन ऑनलाइन केस में आपकी ये कंपेन पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं. पॉइंट नंबर 8 क्या है हमारे पास, फर्दर ऑनलाइन कंपेन्स कैन बी बूस्ट थ्रू पेड एडवर्टाइजमेंट. अभी तक हमने जितने जो 7 पॉइंट्स बात किए थे ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे, जो आप अपने सोशल मीडिया को या ऑनलाइन मीन्स या मीडियम को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ आप ऑनलाइन अपनी कंपेन को पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी बूस्ट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं ज़्यादा तेज़ी के साथ. पॉइंट नंबर 9, मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रिपेयरिंग इन द मार्केट फॉर योर असिस्टेंस. तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप फेसबुक पेज के जरिए कोई अपनी पोस्ट को या अपनी किसी वीडियोज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनका जो एड मैनेजर है उसकी
असिस्टेंस से आप इस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट है तो आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू एड चलाकर अपनी इस कंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या है, अ मेजर एडवांटेज इज दैट मैसेज रीचेस मिलियंस ऑफ यूजर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट टूल्स यूज करते हैं तो मिलियंस ऑफ पीपल्स के पास एक ही वक्त में आपका मैसेज आसानी के साथ पहुंच जाता है। और एक और बेनिफिट ये है कि आप अपने रिजल्ट्स को रियल टाइम बेसिस पे भी ट्रैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक घंटा पहले यानी 11 बजे आपने देखा कितने व्यूअर्स ने हमारी कंपेन को देखा है या हमारे मैसेज को रीड आउट किया है। एक घंटे के बाद यानी पहला आपने चेक किया 10 बजे, दूसरा आप चेक कर रहे हैं 11 बजे या 12 बजे, तो इस दो घंटे में कितने नंबर ऑफ पीपल हैव विजिटेड योर मैसेज, तो उस मैसेज को कितने लोगों ने विजिट किया है या रीड आउट किया है। और फिर आप फर्दर उसकी सेग्रीगेट कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग थे, कौन से जेंडर ज़्यादा थे, मेल थे फीमेल थे, तो इस तरह आप रियल टाइम बेसिस पे इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 क्या है कि जितना भी आपके पास डाटा है आप उसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको आप फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, तो ये जो आपके पास रिकॉर्डेड डाटा है तो आप अगर फ्यूचर में कोई प्लान बना रहे हैं तो उस डाटा को आप फोरकास्टिंग के बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो फोरकास्टिंग आपको हेल्प करेगी बजटिंग में कि आपने कितनी ज़्यादा अमाउंट एलोकेट करनी है अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो पॉइंट नंबर 14 कि जो आप यहाँ पेड एडवर्टाइजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं अपनी मैसेज को मैक्सिमम लेवल पर स्प्रेड करने के लिए, अगर उसकी कास्ट को कंपेयर करें विद द ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग टेक्निक के साथ तो ये बहुत ज़्यादा आपको सस्ती पड़ती है, यानी कास्ट अफेक्टिव है ये। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 15, लास्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट है कि आपको लोगों का फीडबैक मिलता है, लोग आपको सजेशन देते हैं, लोग आपके मैसेज पर क्रिटिसाइज करते हैं, आए कि वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों सूरतों में आपको हेल्प मिलती है कि आप इमीडिएटली तौर पर कुछ ऐसे मेजर्स ले सकें या स्टेप उठा सकें जो वो लोग मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को हाईलाइट करें उसको करेक्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर आपको कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी असाइनमेंट में या एक्सरसाइज में कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वो एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल पर मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उसको रीड आउट करके और अच्छे तरीके से आपको उसका आंसर दे सकूँ। आखिर में वही हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी अंदर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।